स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, व्हाट आर इट्स एक्शन पॉइंट्स? सो लाइक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑन 15th August 2015 दैट वी वुड बी स्टार्टिंग दिस स्कीम, एंड देन द सर्कुलर वाज और नोटिफिकेशन वाज इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एज ऑन February 17, 2017. सो दे डिफाइन स्टार्टअप एज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया not older than 5 years, annual turnover does not exceed rupees 25 crore, and which is working towards innovation, development or commercialization of product, service or process driven by technology, IPRs or patents. ठीक है बेटे, why I am repeating all these things, ताकि आप बार बार सुनोगे, बार बार बोलोगे तो memorize हो जाता है easily. ठीक है, आप लोग फिर भी attention नहीं pay करते हो, so do pay attention whenever the thing is being repeated. तो कुछ students कहते हैं बार बार मैम repeat कर रहे हैं, आप जितनी बार ही सुनोगे उतना दिमाग में concept बैठ जाता है. ठीक है, so let us see what are the action points. ठीक है, क्या मैंने कल भी बताया था, तीन पिलर्स थे जिसके ऊपर इंडिया ने अपना ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप किया था. सो व्हाट वर द एक्शन पॉइंट्स और व्हाट आर द एक्शन पॉइंट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम एज स्टार्टेड बाय इंडिया? फर्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग. सो लाइक आई एक्सप्लेन यू यस्टरडे, अर्लियर द सिस्टम वॉज अ बिट कॉम्प्लेक्स. इफ एनीवन वॉज टू सेटअप द बिजनेस, there were many formalities. So now the government has simplified the process so that people or entrepreneurs do comply with the provisions. बेटे अगर हमें rules आसान लगते हैं तो हम उनको मान लेते हैं, अगर हमें rules मुश्किल लगते हैं तो हम उनको avoid करते हैं, हम उनके साथ comply नहीं करते हैं. So if we want compliance, अगर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, rules को मानो, तो हम रूल्स को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट वी डिड टू मेक द कंप्लायंस फॉर स्टार्टअप्स फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबल. सिंप्लीफिकेशंस आर अनाउंस्ड. ठीक है, गवर्नमेंट ने सिंप्लीफिकेशंस अनाउंस की. और हैंड होल्डिंग मतलब सपोर्ट सिस्टम दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको पूरा पूरा सपोर्ट देंगे. सपोर्ट देने के लिए देवर यू नो guidance, assistance, encouragement was given by the government, right? Second habit is startup India hub. Startup India hub matlab ek single point of contact banaya gaya for entire startup ecosystem. मतलब आपको ऐसा नहीं है आप स्टार्टअप सेटअप करने जा रहे हो तो इस जगह से आपने लाइसेंस लेना है, यहां से आपको ये गाइडेंस लेने के लिए जाना है, यहां पर जाकर आपको ये काम करना है, फिर वही पुराना चक्कर रह गया, फिर लोग डरेंगे, है ना. तो इसीलिए एक हब बनाया गया. हब जो था दैट वाज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो आपके स्टार्टअप से रिलेटेड जितने भी आपको नॉलेज लेनी है, फंडिंग करानी है, लाइसेंसिंग लेनी है, वो वहीं पे हो जाएगा. ठीक है, so this was startup india hub. Third is legal support and fast tracking patent examination. So the scheme for startups IPRs intellectual property protection is envisaged to facilitate protection of patents, trademarks and designs of innovative and interested startups. जो स्टार्टअप बेटे, क्योंकि हम स्टार्टअप बेसिकली उसको कह रहे हैं जो कुछ ना कुछ इनोवेट कर रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है, जिसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिया हुआ है. व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? इट इज द यू नो प्रोटेक्शन गिवन टू योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट. तो कई बार कोई नया स्टार्टअप आता है, वो बहुत इनोवेटिव होता है, लेकिन कोई और पर्सन उसी तरह का कोई स्टार्टअप खोल लेता है और उसके कंपटीशन में खड़ा हो जाता है. तो इसीलिए उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक यू नो लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया. ऐसे क्या होता है, फिर लिटिगेशन होती है ना,
आप ये कहो कि मैम जब ले ही लिया इंटेलेक्चुअल पेटेंट ले लिया मैंने अपने ऊपर, तो फिर कोई कैसे मेरे साथ कॉपी कर सकता है? बेटे दिस इज बिजनेस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर अवेयर ऑफ योर हैपनिंग्स. आपको पता होगा आईफोन और सैमसंग में कितने साल केस चला था कि आपने हमारा डिजाइन कॉपी किया है. ठीक है, सो अल्टीमेटली जो विन करता है, मतलब इट्स नॉट के वो ठीक होता है, इट्स द विनर हु इज इन बेनिफिट, चाहे वो गलत है चाहे सही है. ठीक है, वो तो एक एविडेंसेस के हिसाब से जजमेंट अपनी जज अपनी जजमेंट दे देता है. सिमिलरली गूगल अर्थ के ऊपर केस किया गया, गूगल के ऊपर केस किया गया था कि जर्मन कंपनी थी, जर्मन पर्सन थे दो रादर, उन्होंने केस किया था कि हमने टेरावीजन के नाम से पहले एक ऐप बनाया था 90s में, जिसको गूगल ने चुराया है. हमारा सारा एल्गोरिथम जो है वो सेम है, गूगल अर्थ ने चुराया है. सो अगेन लिटिगेशन वॉज देयर, दे माइट बी राइट दोज जर्मन रिसर्चर्स, बट गूगल वन द केस बिकॉज गूगल वॉज क्वाइट अ बिग कंपनी. ठीक है, तो लिटिगेशन चलती है. तो ऐसा ना हो कोई नया स्टार्टअप खुला है, वो इनोवेटिव है और कोई उसके कॉम्पिटिशन में आके बिल्कुल सेम ना खोल ले, उसके लिए लीगल प्रोटेक्शन, लीगल सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. देन देयर इज इजी एग्जिट. तो कई बार क्या होता है, बिजनेस फेल हो जाता है तो उसको वाइंड अप आप नहीं करते. जैसे हमने कंपनी में फीचर्स में पढ़ा कि वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, है ना. तो अब स्टार्टअप्स मैक्सिमम मैं ये नहीं कहूंगी, डिस्करेज नहीं कहूंगी कि मैक्सिमम स्टार्टअप्स, काफी स्टार्टअप्स जो है वो फेल हो जाते हैं और काफी स्टार्टअप्स को टाइम लगता है एक प्लेटफॉर्म में आने में. अगर हम बात करें अब ये अगेन आई वुड बी गिविंग यू द एग्जांपल्स ऑफ से ओला कैब, यूबेर या जोमैटो, स्विगी, बीच में ये बहुत लॉसेस में गए. इवन स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये बहुत लॉसेस में गए, लेकिन अभी जो है इन्होंने आईपीओस निकाल दिए, तो दे हैव गॉट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी पब्लिक. इनके शेयर्स जो है अगर आप देखो तो लिस्टिंग होते ही इनके शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं. आईपीओ मैंने बताया था ना क्या होता है आपको, जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक होती है, यानी आपने पब्लिक से कैपिटल सब्सक्राइब करनी है, आपने आईपीओ निकाल दिया. आपका आईपीओ जो होता है वो 12-13 शेयर्स का एक लॉट होता है. ठीक है, तो 14,000 का आपने निकाल दिया. सपोज करो 14 शेयर्स हैं, 14,000 के कितने का एक शेयर है, 1,000 का. और जब लिस्टिंग होती है 2,000 का शेयर हो जाता है. द डेट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इट बिकम्स ऑफ 2,000. चलो कंपनी को तो उतना ही मिला, लेकिन देखो उसकी मार्केट की कैपिटलाइजेशन कितनी बढ़ गई. आप देखते हो ना, पढ़ते हो न्यूज में कि आज अंबानी की इतनी कैपिटल, आज अंबानी रिचेस्ट पर्सन हो गया. कैसे हो गया? उसकी वेल्थ नहीं बढ़ती है, उसकी कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं. तो जो शेयर का प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ही इज होल्डिंग और हिज कंपनी इज हैविंग, दैट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन. उसकी कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं और कंपनी के कितने शेयर का कितना प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटलाइजेशन होती है कंपनी की. तो देखो कंपनी की कैपिटलाइजेशन किस तरह से बढ़ने लग जाती है. लेकिन अगर कोई स्टार्टअप फेलियर में चला जाता है, फेलियर बन जाता है, तो उसके वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड है. इससे क्या फायदा होगा कि एक्सपेरिमेंटेशन, आप डरोगे नहीं, अरे मैंने खोल लिया तो फिर मैं तो फंस ही जाऊंगा, मेरे ऊपर तो कर्जा चढ़ जाएगा, मैं कैसे उतारूंगा, मैं बंद ही नहीं कर सकता. यू माइट नॉट इवन टेक द इनिशिएटिव. लेकिन अगर उसकी वाइंडिंग अप ईजी है तो आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो इनोवेटिव आइडियाज के साथ विदाउट फियरिंग कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग ड्रॉन एग्जिट प्रोसेस. अगर आपको पता है आपका इससे निकलने का प्रोसेस सिंपल है, आसान है, ठीक है, तो आप इसमें एंटर कर सकते हो. क्लियर? देन हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इनक्यूबेटर सेटअप. तो इनक्यूबेटर बेटे क्या होता है, आगे भी हम पढ़ेंगे. पहले भी वर्ड आया था इनक्यूबेटर, जस्ट लाइक व्हेन अ
प्रीमेच्योर बेबी इज बॉर्न, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हम उसको इंक्यूबेटर में डाल देते हैं, है ना। उससे क्या होता है, इट्स अ लाइफ सेविंग, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। और उसको जब तक हमें लगता नहीं है, डॉक्टर्स को लगता नहीं है, तब तक हम इंक्यूबेटर से बाहर नहीं निकालते। सेम इज द केस हियर इन बिजनेस इंक्यूबेटर। क्या है, एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिससे वो स्मॉल एंटरप्राइजेस को या स्टार्टअप्स को यू नो प्रोटेक्शन देते हैं, फंडिंग करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में या ट्रेन करते हैं, या उनको एडवाइस करते हैं, या उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज इंक्यूबेटर। तो इसमें अब प्राइवेट सेक्टर को भी हार्नेस किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, या हमारे पास फंड्स हैं लेकिन हमारे पास इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं है जितनी प्राइवेट सेक्टर के पास है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पीपीपी मॉडल पे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे प्राइवेट सेक्टर को हार्नेस किया है फॉर सेटिंग अप इंक्यूबेटर्स। देन टैक्स एग्जम्पशन, ऑफ कोर्स आपको किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना है, आप टैक्स एग्जम्पशन दे दीजिए। आप चाहते हो कि लोग इस एरिया में एंटर करें, लोग इस गांव में एंटरप्राइज सेटअप करें, या लोग इस चीज का एंटरप्राइज सेटअप करें, आप टैक्स एग्जम्पशन दे दो। सो इन द सेम वे गवर्नमेंट हैज ऑल्सो एग्जम्प्टेड द स्टार्टअप इनिशिएटिव्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। सो दीज वर द एक्शन प्लान्स फॉर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल दिस? ओके, नेक्स्ट बेटे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेज टू फंड स्टार्टअप। मैंने आपको शायद बोला भी था, यू कैन सी वन वेब सीरीज बाय द नेम ऑफ पिक्चर्स। सो अगर आप इसको पढ़ने के बाद भी देखते हो, कुछ एक दो एपिसोड्स भी देख लोगे, यू विल कम टू नो के क्या होते हैं ये, व्हाट आर दीज वेज ऑफ फंडिंग स्टार्टअप। सो आपने कोई स्टार्टअप खोला है, नेचुरली आपको स्टाफ चाहिए, आपको प्रेमिसेस चाहिए, इवन इफ इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन। आपने एक ऐप ही बनाया है, उसके लिए भी आपको एक स्पेशलाइज्ड, किसने ऐप बनाना है, आपके पास आइडिया है ना, आप आइडिया से रिलेटेड एक ऐप बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, रादर टीम की जरूरत है। यू नीड टू हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। एक सिंगल पर्सन जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है हमें सॉफ्टवेयर की या ऐप बनाने की, सिंगल पर्सन के लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यू नीड अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, यू नीड द होल सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको कंप्यूटर्स चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, आपको ऑफिस चाहिए, तो आपको इस तरह की और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। जरूरी नहीं है आपका ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी होते हैं, जैसे आई गेस मैंने बताया भी था कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उससे वो बैटरी बना देते हैं, इस तरह के स्टार्टअप्स भी हैं। आजकल जो स्टार्टअप्स हैं, दे आर मेनली रिलेटेड टू इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं, वेस्ट को रीयूज करते हैं और उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। सो यू नीड फंड्स, ऑफ कोर्स, टू सेट अप एनी बिजनेस यू नीड फंड्स। सो लेट अस से व्हाट आर द वेरियस वेज टू फंड स्टार्टअप्स। कल को आपका भी मन बन सकता है, आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप फंड्स अरेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू वन चैप्टर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, है ना। आपको पता है आप ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं, आप रिटेन्ड अर्निंग्स यूज कर सकते हैं, आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, आप पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं। बट देन व्हाट हैपेंस इज शेयर्स वही कंपनी के, अब मैं बता रही हूँ कि आज जोमेटो ने अपना आईपीओ खोला, नाइका ने अपना आईपीओ खोला, पीपल आर बाइंग इट, इट इज बीइंग ओवर सब्सक्राइब,
Why? Because people are aware. ये अब apps जो हैं इनको 8-10 साल हो चुके हैं. So they can raise funds through shares. लेकिन एक startup जो कि एक नया enterprise है, उसमें लोग interest show नहीं करेंगे. जब तक लोगों को श्योरिटी नहीं होती है सक्सेसफुल होगा नहीं या नहीं होगा, नए आइडिया में लोग पहले ही नकार देते हैं, अरे ये क्या डिलीवरी वाला ऐप है, जोमैटो ये कहाँ चलेगा इंडिया में, है ना. सो पीपल ऑलवेज से के पीपल कैन नॉट बिल्ड अप कॉन्फिडेंस, राइट. सो लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ फंडिंग अ स्टार्टअप. फर्स्ट इज बेटे बूटस्ट्रैपिंग सेल्फ फाइनेंसिंग. It's you know, just a good term for self-financing. एक अच्छी सी एक टर्म दी है आपको. मतलब क्या है इसका? अपना फाइनेंस, अपने फंड्स, अपनी सेविंग्स, पुरानी सेविंग्स पड़ी हुई है उसको इन्वेस्ट कर दो. बिजनेस सेटअप करना है, अपने पैसे निकाल के यूज कर लो. आपने 8-10 साल जॉब की है, आपने उसमें से जो कुछ बचाया है वो इन्वेस्ट करके आप स्टार्टअप खोल लीजिए. बूटस्ट्रैपिंग शायद वर्ड किससे बना होगा, अपने जूते कसो, ठीक है. सो इट्स नथिंग बट सेल्फ फाइनेंसिंग, ठीक है. सो इट इज द फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन बिकॉज बाय स्ट्रेचिंग आउट योर ओन पर्सनल सेविंग्स एंड रिसोर्सेस You are tied to your own business. मैंने 10 साल जॉब की, मैंने 20-25 लाख जोड़े जॉब करके, उनको मैंने इन्वेस्ट कर दिया. So मेरे सारा का सारा कंसंट्रेशन उसी में रहेगा कि ये मेरी तो लाइफ टाइम की पूंजी है जो मैंने इन्वेस्ट कर दी बिजनेस में, इसको मैंने सक्सेसफुल करना ही करना है. आई एम टाइड टू दिस बिजनेस. मेरी डेडिकेशन ज्यादा हो जाएगी टुवर्ड्स माय बिजनेस और ऑन मेकिंग दिस बिजनेस अ सक्सेस इफ आई एम मेकिंग यूज ऑफ माय ओन रिसोर्सेस, इजंट इट, ठीक है. सो इवन एट अ लेटर स्टेज अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है और आपको फंड्स की जरूरत है, सो यू आर कंसिडरिंग टेकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड, आप इन्वेस्टर्स इन्वाइट कर रहे हो, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ मैरिट कि आपने अच्छा अपने पैसे लगा के स्टार्टअप खोला था, यानी आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है. सो टुमारो इफ यू नीड मोर फंड्स, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ मेरिट. ये आपका एक प्लस पॉइंट जाएगा, ठीक है. लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो स्मॉल है. अगर आपको करोड़ों में पैसे चाहिए तो फिर आप बूटस्ट्रैपिंग टू लार्ज एक्सटेंट यू कैनॉट यूज. अगर आपको 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप कैसे बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हो, ठीक है. सो बट इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हैंडी, अब जैसे ओला है, ओला ऐप ने कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी? डिड दे बाय देयर कार्स? नो, दे आर जस्ट यू नो आस्किंग. आपके पास कार है अपनी, आप ड्राइवरी करने को तैयार हो, पिक एंड ड्रॉप करने को तैयार हो, इफ द पर्सन सेज यस तो वो आपको बता देता है कि भी हमने 15 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करने, उसमें से 5 रुपए पर किलोमीटर आप रख लेना, 10 रुपए पर किलोमीटर हमारे अकाउंट में डाल देना, ठीक है. सो दे डिड नॉट बाय देयर ओन फ्लीट ऑफ कार्स, यू नो. सो हियर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज Small and handy. Same is the case with Zomato. मतलब जितने maximum service providing apps होते हैं उसमें investment कम होती है, देखा जाए, ठीक है. All right. Next, crowdfunding. Again, a very you know common way of taking finance for a startup. It's a pooling of resources by a group of people for a common goal. क्राउड फंडिंग, क्राउड से फंडिंग करा लेना, ठीक है. तो जिनका एक कॉमन गोल है, सपोजिंग एक ऐप है जो कि स्टूडेंट से रिलेट करता है या टीचर से रिलेट करता है, ठीक है. तो वो टीचर्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स से आपने फंडिंग ले ली.
ऑफ कोर्स यू विल बी गिविंग समथिंग इन रिटर्न, उनको उनकी रिटर्न तो मिलेगी, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो आपको देनी पड़ेगी, फ्री में तो पैसा नहीं मिलेगा, मनी यूज कर रही हो तो उसके रिटर्न आपको देनी पड़ेगी, बट मनी कहां से अरेंज करनी है, ठीक है? सो क्राउड फंडिंग इज अनदर ऑप्शन. क्राउड फंडिंग, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल. सो इट्स नॉट न्यू टू इंडिया, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीचिंग आउट टू कॉमन पीपल फॉर फंडिंग. लेकिन जो प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है टू प्रमोट क्राउड फंडिंग, इट इज फेयरली रीसेंट. अब आप क्या करते हो, आप वेबसाइट पे या नेट इंटरनेट पे डाल देते हो कि वी आर सच 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 सो एंड सो कंपनी, है ना, तो वी आर प्लानिंग टू सेट अप बिजनेस रिलेटेड टू दिस, सो द पीपल इन कॉमन इंटरेस्ट. लेट अस से आप कोई यू नो ऐसा कंसेप्ट, आपको पता होगा आजकल लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, पीपल वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बट वेन दे गो एक्सप्लोर द वर्ल्ड और एनी कंट्री दे हैव टू पे हाई चार्जेस फॉर होटेल, दे कांट अफोर्ड इट. सो अगेन देयर वॉज अ कॉन्सेप्ट, यहां आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं बाय रोड, ठीक है, इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में पेट्रोल का इतना खर्चा हो जाता है. सो आपने कभी सुना है कि आप कोई पर्सन दिल्ली जा रहा है, आप उसके साथ टाई अप कर लेते हो, हाफ हाफ कर लेते हो, दिस इज ऑल्सो डन थ्रू सिंगल ऐप, ठीक है. फिर होटेल में आप नहीं रहना चाहते हो, आपके घर में एक सरप्लस रूम पड़ा हुआ है, आप टूरिस्ट को दे सकते हो, होटेल से कम खर्चे में आपकी भी अर्निंग होगी क्योंकि आपका रूम तो फ्री पड़ा हुआ है. आपके घर में 10 कमरे हैं खाली के खाली पड़े हुए हैं, आप कोई भी आ रहा है आप उसको एज ए गेस्ट उसमें ठहरा दो, उसको घर का खाना खिला दो और उसको भी पैसे बच जाएंगे, आपके पैसे बन जाएंगे. ये भी एक ऐप है, ठीक है. तो अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में, कॉमन लोग जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उनसे पैसे ले लीजिए. दिस इज क्राउड फंडिंग. इससे क्या होता है, हर पर्सन थोड़े थोड़े पैसे देता है, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेस पूल हो जाते हैं तो अल्टीमेटली इट बिकम्स अ बिग अमाउंट, ठीक है. सो दिस वॉज क्राउड फंडिंग. थर्ड इज एंजल इन्वेस्टर्स. हु इज एन एंजल? एंजल कौन होता है, नहीं पता? किसको बोलते हैं एंजल? फरिश्ता, जो आपके लिए एक फरिश्ता बन के आते हैं, ठीक है. सो एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? सी देयर आर मेनी पीपल हु हैव सरप्लस मनी. लोगों के पास, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सरप्लस मनी पड़ी हुई है और वो मनी को यूज करना चाहते हैं, मनी से मनी बनाना चाहते हैं. सो दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ यू नो पीपल हु आर सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस. वो हमेशा से इंटरेस्टेड है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने में, ठीक है. सो देयर आर मेनी बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस, दे अर्न अ लॉट ड्यूरिंग दीज डेज. उनकी जो रेमुनरेशन है वो काफी ज्यादा है, दे अर्न इन करोर्स फॉर अ सिंगल मूवी, यस, एंड दे हैव सरप्लस फंड्स एंड दे नो देयर करियर इज शॉर्ट लिव्ड, है ना. तो 8-10-15 साल तक उनका करियर है, उसके बाद उनको कोई नहीं पूछेगा, बट उनका खर्चा रहना उनको मुंबई में ही है और अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है. तो दे हैव टू स्पेंड अ लॉट आफ्टर देयर रिटायरमेंट ऑल्सो. तो इसीलिए वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो मैनी बॉलीवुड एक्टर्स दे आर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स जिनसे उनको अच्छी रिटर्न मिल जाती है, ठीक है. सो दीज आर एंजल इन्वेस्टर्स. तो आप, अगर आपका स्टार्टअप में दम है, तो यू कैन लुक फॉर योर यू नो एंजल इन्वेस्टर्स हु हैव कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन द अपकमिंग स्टार्टअप्स. जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, दे माइट बी इवन बिग बिजनेसमैन ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि एक्टर्स एक्ट्रेस ही है. जिसके पास पैसा है बेटे, वो आपका फरिश्ता बन के आ सकता है.
वो अंबानी भी हो सकता है, वो अदानी भी हो सकता है, ठीक है ना। और अगर वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, दे कैन प्रोवाइड मेंटोरिंग और एडवाइस अलोंगसाइड कैपिटल। आपको कैपिटल तो वो देंगे देंगे, उसके साथ साथ वो आपको मेंटोरिंग भी प्रोवाइड करेंगे। नाउ बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ देयर मनी, उन्होंने 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए हैं अगर, तो वो टाइम टू टाइम आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखने आएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या ग्राफ है, कैसा जा रहा है, टर्नओवर कैसी जा रही है, उनके पैसे आपने कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, रिटर्न कैसी आ रही है, टाइम टू टाइम वो आएंगे और आपको गाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स में क्या डिफरेंस है? वेंचर कैपिटल वो है जिनका प्रोफेशन ही कैपिटल देना है, उनके पास पैसे हैं, वो लोग वो उनका बिजनेस ही पैसे को लेंड करके मनी अर्न करना है। जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनका कोई और बिजनेस है, बट दे आर इन्वेस्टिंग देयर सरप्लस फंड्स इनटू स्टार्टअप्स। बट वेंचर कैपिटलिस्ट आर दोस हु आर इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन स्टार्टअप्स, ठीक है। सो दीज आर प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स विच आर इन्वेस्टेड इन कंपनीज दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं वो एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करते हैं, मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, एंड लिसन टू दिस लाइन, दे एक्ट एज अ लिटमस टेस्ट ऑफ वेयर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग। लिटमस टेस्ट किया हुआ है आपने साइंस में, ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है कि कितना एसिडिक है, कितना एल्कलाइन है सोल्यूशन। तो एक तरह से लिटमस टेस्ट बिजनेस के लिए कि बिजनेस कितना, किस लेवल पे बिजनेस खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको इवैल्यूएट करते हैं फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डू टुमॉरो।